आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और प्रोटीन से भरा सब्जी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये सब्जी जो है सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस सब्जी को बहुत ही कम ही लोग जानते हैं और बनाते हैं, लेकिन जब इस सब्जी को आप एक बार बना लें तो बार बार बनाने का इच्छा होगा। बहुत ही हेल्दी सब्जी है ये। नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले सोयाबीन को लें। यहाँ देखिए, हमने ये सोयाबीन को अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इसे ओवरनाइट भिगो करके रख दिया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। आप चाहें तो इसे 7 से 8 घंटा भिगो करके रख दें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगा। और तब क्या करेंगे कि इसे हम बॉयल करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर लें और सारे सोयाबीन के जो दाने हैं इसे कुकर में डाल दें, और साथ में डाल देंगे पानी। तो पानी बस उतना ही डालें जितना आपका सोयाबीन जो है अच्छी तरह से डूब जाए। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल दें, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। और बस क्या करेंगे कि दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके लीड को लगा करके हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने दें, और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लें, यानी जो सोयाबीन है उसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लें। और तब तक क्या करें कि एक कढ़ाई या पैन लें, उसमें डाल दें मस्टर्ड ऑयल। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, इसलिए आप इस सब्जी को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। और साथ में डाल दें आधा चम्मच के करीब जीरा, और जीरा जैसे ही भुन जाए इसमें डाल दें 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 1 इलायची डाल दें और 2 लौंग डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद डाल दें इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज को भी डाल दें। और प्याज को डालने के बाद प्याज को हल्का सा भून लें। यहाँ पे मैंने जो खड़े मसाले डाले हैं उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो खड़े मसाले आप थोड़ा सा ज़रूर डालें। और साथ में डाल दें ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट को भी डाल सकते हैं, और सभी चीज़ों को हल्का सा भून लें। इस सब्जी में आप बहुत ज़्यादा तेल और मसाला को नहीं डालें, इसमें बहुत ही कम तेल मसाला डालें तो भी आपका सब्जी जो है ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। वैसे ये सब्जी हेल्दी तो है ही। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा अदरक लहसुन है अच्छी तरह से भुन गया है। तब क्या करें, यहाँ पे कुछ टमाटर और मिर्चा मैंने रखा है, इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। और यहाँ पे देखिए, हमने टमाटर और मिर्चा को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और क्या करेंगे कि इसे भी इसमें डाल दें, और इसे अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लें। और अब हम इसमें कुछ मसालों को भी डाल देंगे, तो आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को बहुत ही ध्यान से डालें, क्योंकि सोयाबीन को बॉयल करते समय भी हमने नमक को डाला था। तो 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल करके मसालों को अच्छी तरह से भून लें। जो हमने इसमें मसाला डाला है और प्याज को डाला है, तो ये अच्छी तरह से भुन जाए और प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए क्या करें कि थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने से जो आपका प्याज है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, और मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा मसाला है बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है। तब क्या करें कि इसमें डाल दें 1 चम्मच के करीब, ये चना दाल का बेसन है, इसे डाल दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और आपका जो सब्जी का थिकनेस है वे भी आएगा। और इसे भी 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लें। ये रोस्टेड बेसन नहीं है, ये नॉर्मल बेसन है। और 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल दें, ताकि जो आपका बेसन है अच्छी तरह से भून जाए। मसालों को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे आपका सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे हमारा बेसन और मसाला अच्छी तरह से भून गया है। तब क्या करें, इसमें डाल दें ये सोयाबीन जो हमने बॉयल किया था, उसे डाल दें। ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। आप 1-2 दाना सोयाबीन का निकाल करके चेक भी कर ले कि आपका जो सोयाबीन का दाना है अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। और डालने के बाद क्या करें, इसमें मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करें, और इसमें डाल दें 1 ग्लास के करीब पानी। पानी डालने के बाद इसे इस तरह से मिला लें, और इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसे ढक दें, ढक करके पकाएं। 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक भी करें। यहाँ जो हमारा सब्जी है बन करके रेडी है। इसे थोड़ा सा ग्रेवी ही उतारें, क्योंकि बाद में जब हल्का सा ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डाल दें गरम मसाला, और डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल दें। बस हमारा सब्जी बन करके रेडी है। गैस को बंद करें, और ये देखिए जो हमारा सब्जी है कितना टेस्टी बना है।
और टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी बना है। तो इसे अब हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक बाउल लें और ये देखिए जो हमारा सब्जी है कितना टेस्टी बना है। आप इसे रोटी चावल पराठा के साथ सर्व करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप इस सब्जी को मंथ में तो कम से कम एक बार ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही प्रोटीन वाली सब्जी है, तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें।